जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं सुग्रीव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु महादेव रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, अक्सर हमारे पास ये क्वारी आती थी कि हमें 3 BHK का फ्लैट चाहिए, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्तों का, बहुत सारी मेरी बहनों का बजट उतना नहीं होता था कि हम उनको उनके बजट में 3 BHK दिला पाएँ। लेकिन दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी अच्छा फ्लैट, काफ़ी बड़ा फ्लैट और बहुत सारी सुविधाओं के साथ, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी के साथ मैं आप लोगों को देने वाला हूँ 3 BHK का एक शानदार फ्लैट दोस्तों, और वो भी बहुत ही कम कीमत पर। कीमत भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा, लेकिन कीमत बताने से पहले मैं थोड़ा सा इस फ्लैट के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में और इसमें मिलने वाली चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों हमारी लोकेशन के बारे में। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से हम लोग ठीक 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, यानी कि बिल्डिंग हमारी ठीक 1 किलोमीटर के बाद आपको द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। 325 स्क्वायर यार्ड की बिल्डिंग है, इसमें 4 यूनिट्स बनी हुई हैं, 2 यूनिट आगे और 2 यूनिट बैक साइड में। चारों यूनिट दोस्तों 3 BHK की है और इसमें आपको पार्किंग मिल जाती है। पार्किंग आपको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों की मिलती है, यानी कि गाड़ी और बाइक दोनों की पार्किंग आपको यहाँ पर मिलती है। लिफ्ट मिलती है दोस्तों आपको इस फ्लैट में, और भी काफ़ी कुछ है, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करता हूँ इस फ्लैट के साइज़ के बारे में। साइज़ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो 85 स्क्वायर यार्ड का ये फ्लैट है। इसकी अगर चौड़ाई की बात करूँ तो करीबन 24 फीट का फ्रंट आपको अकेले इस फ्लैट का मिलता है। सबसे पहले बात करता हूँ ड्राइंग रूम के साइज़ की। ड्राइंग रूम में आपको जो साइज़ मिलता है वो 11x20 का मिलता है। 11x20 का दोस्तों काफ़ी बड़ा साइज़ है। आप देख सकते हैं कि आपको कैमरे में भी ज़रूर एक बड़ी लुक आ रही होगी। काफ़ी बड़ा और काफ़ी स्पेशस आपको जगह यहाँ पर मिल जाती है। इजीली आप यहाँ से 20 से 22 लोगों की सिटिंग भी लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। उसके अलावा दोस्तों आप फॉल सीलिंग, आप देखिए प्लीज़, फॉल सीलिंग की बात करूँ दोस्तों तो 2 फैन हम लोग यहाँ के, आप हम 2 फैन आपको यहाँ इंस्टॉल करके देते हैं। साथ में आप झूमर देख सकते हैं, ये झूमर रिमोट कंट्रोल से चलता है दोस्तों, कलर चेंजिंग इसमें होता है, ये रोटेशन भी करता है और काफ़ी अच्छी लुक यहाँ पर आपको ये देता है। अब बात करते हैं दोस्तों वॉलपेपर की। 3D वॉलपेपर है ये, 3D लुक आपको देता है। एक नहीं, 2 वॉल्स पर हमने ये वॉलपेपर लगाया हुआ है, जो कि इस पूरे ड्राइंग रूम को, इस लिविंग एरिया को काफ़ी अच्छा लुक दोस्तों देता है। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो विट्रीफाइड टाइल्स यहाँ पर हमने लगाई हैं दोस्तों, डबल चार्ज की, जो कि कम्प्लीटली स्क्रैच लेस टाइल्स होती हैं, तो कभी भी आपकी शाइनिंग टाइल्स की नहीं जाएगी, कभी भी किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। यहाँ पे आपको दोस्तों काफ़ी बड़ा LCD पैनल मिलता है, वुडन LCD पैनल है, काफ़ी बड़ा TV आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे ड्राइंग रूम की बात, अब हम चलते हैं हमारे पहले बेडरूम की तरफ। आइए दोस्तों, ये है हमारा पहला बेडरूम। बेडरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 11x10 का ये बेडरूम हमें मिलता है दोस्तों। इसमें भी 3D वॉलपेपर आपको मिलता है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, हाइट भी फ्लोर की काफ़ी अच्छी दी हुई है। यहाँ भी आपको कॉब लाइट्स और फॉल सीलिंग का और LED का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है दोस्तों, और यहाँ भी हम आपको फैन लगाकर देते हैं। इसके साथ दोस्तों शाफ्ट भी आपको मिलती है इस रूम के साथ प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। अगर आप चाहते हैं विंडो AC लगाना तो विंडो AC भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा दोस्तों ये रूम है। डबल बेड आने के बाद, 6x6 का डबल बेड होता है, वो आने के बाद भी आपको रोम अराउंड करने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ, लेकिन सेकंड बेडरूम में जाने से पहले मैं किचन को इन्वॉल्व करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि पहले किचन आ रही है। काफ़ी बड़ी किचन है दोस्तों। किचन के साइज़ की अगर बात करूँ तो 9x7 का किचन का साइज़ है। 9x7 की किचन काफ़ी बड़ी किचन होती है। आप देख सकते हैं कि हमारे हर किचन की तरह इसमें भी काफ़ी स्पेस है आपका सामान रखने के लिए, स्टोरेज प्रॉपर आपको यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों। स्टोरेज है दोस्तों, हर जगह आपको बर्तन रखने के लिए जगह मिल जाती है। जितने भी चाहें आप यहाँ पर बर्तन रख सकते हैं, जितना भी चाहें आप स्टोर कर सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी कभी भी आपको नहीं आने वाली। हर छोटी छोटी चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखा गया है दोस्तों हमारी किचन के अंदर। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट बेडरूम के लिए। ये है दोस्तों हमारा सेकंड बेडरूम। हमारे हर बेडरूम की तरह यहाँ भी आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार और एक एलिजेंट लुक का वॉलपेपर आपको मिलता है। फॉल सीलिंग के डिज़ाइंस मिलते हैं, फैन आपको हम लोग यहाँ लगा कर देंगे,
साथ में दोस्तों इसमें आपको एक कबर्ड मिलती है। कबर्ड आप देखेंगे दोस्तों काफ़ी बड़ी है, करीबन 4x और रूफ हाइट तक की, यानी कि पूरे 9.5 फीट तक की आपको कबर्ड यहाँ मिलती है, जिसमें आप चाहे तो जितना मर्जी सामान रख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी थोड़ी सी गंदी है क्योंकि अभी काम चल रहा है, ये सिर्फ एक सिंपल फिट हम लोगों ने रेडी करवाया है, लेकिन दोस्तों बहुत अच्छी स्टोरेज के साथ आपको यहाँ पर कबर्ड मिल जाती है। इसके साथ दोस्तों अटैच वॉशरूम भी आपको मिलता है, काफ़ी स्पेशियस ये वॉशरूम है दोस्तों। इसकी साइज़ की अगर बात करूँ तो 4x6 का इसका साइज़ है। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर स्पेस आपको मिलता है, जितनी भी फिटिंग्स यहाँ लगाई गई हैं सारी ब्रांडेड है। यहाँ पे आपको हम लोग एग्जॉस्ट फैन भी लगा कर देते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट बेडरूम की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, विंडो के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ भी आपको इस रूम में वेंटिलेशन के लिए एक विंडो मिलती है, आपको स्प्लिट माफ़ कीजिएगा विंडो एसी लगाने के लिए आपको स्पेस मिलता है। 1.5 टन या 2 टन तक का एसी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ में दोस्तों जाली के दरवाजे अलग हैं, जाली की खिड़की अलग है, साथ में जो ग्लास की विंडो है वो अलग है, बीच में सेफ्टी ग्रिल्स भी मिलती है, यानी कि 3 तरह के काम आपको यहाँ पर करके मिलते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। आप देख सकते हैं दोस्तों ये बेडरूम भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेसियस है। इसके साइज़ की अगर बात करूं तो 11.5x10 फीट का इस बेडरूम का साइज़ आपको मिल जाता है। इसमें भी 3D वॉलपेपर लगाया गया है, यहाँ भी हम लोग आपको फ़ैन इंस्टॉल करके देते हैं। इसमें भी आपको LED और कॉप लाइट्स का बड़ा अच्छा डिज़ाइन मिलता है आपकी सीलिंग पर। और इस रूम में आपको दोस्तों आपको एक काफ़ी बड़ी कबर्ड मिलती है। आप देख सकते हैं कि 4x9 फीट तक की काफ़ी बड़ी आपको यहाँ पे कबर्ड मिल जाती है। इसमें काफ़ी स्पेस है, आप कितना भी सामान रखना चाहें आप रख सकते हैं। इस फ्लैट में दोस्तों हम लोग कर्टेंस भी आपको लगाकर दे रहे हैं। कर्टेंस लगभग फ्लैट्स में नहीं मिलते हैं, लेकिन इस फ्लैट में हम लोग आपको लगाकर देते हैं। अब हम दोस्तों अपनी बालकनी में आ चुके हैं, ये वॉशिंग एरिया भी है साथ में बालकनी भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूफ हाइट तक टाइल्स लगाई गई हैं। हमेशा साफ़ सफाई के लिए टाइल्स ज़रूरी होती हैं, टाइल्स रहने से एक अच्छी लुक तो रहती है, कभी भी आउटलुक ख़राब नहीं होती। साथ में काफ़ी बड़ी बालकनी यहाँ पर आपको मिलती है, करीबन 3.5x9 फीट की आपको बालकनी मिल जाती है। वॉशिंग एरिया है, यहाँ पर आपको टैब मिलता है, आपको स्विच एंड सॉकेट मिलती है, आपको मशीन लगानी हो या फिर और कोई काम करना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारी सेकंड वॉशरूम, यानी कि हमारे कॉमन वॉशरूम के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कॉमन वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा और ऑलमोस्ट स्क्वायर में ये वॉशरूम आपको मिल जाता है। 6x6 का इस वॉशरूम का साइज़ है। इसमें भी दोस्तों रूफ हाइट तक टाइल्स लगी हुई हैं और काफ़ी अच्छा गेटअप आ रहा है। वाइट कलर की टाइल यहाँ इसलिए यूज़ की गई है ताकि ये और भी ज़्यादा स्पेसियस लगे। एक और बात भी है दोस्तों कि हम लोग अपने इस वॉशरूम के अंदर आपको गीज़र भी लगा कर देते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है, अक्सर लोगों को परेशानी होती है कि नए घर में गीज़र और ये सब चीज़ें तो चाहिए होती हैं, तो हम लोग इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपके लिए ये सब चीज़ें लगा कर पहले से देते हैं। वैसे तो दोस्तों मैंने सारी चीज़ें आपको इस फ्लैट के बारे में बता दी, बस एक एंट्री के बारे में मुझे लगता है मैं भूल गया। बिल्डिंग की जब हम बिल्डिंग में एंट्री करते हैं तो हम लोग नॉर्थ की तरफ फेस करके एंट्री करते हैं, जब हम लोग अपने फ्लैट में एंट्री करते हैं तो हम लोग नॉर्थ की तरफ से एंट्री करते हैं, मतलब बिल्डिंग में एंट्री करते हैं तो हमारा फेस नॉर्थ की तरफ होता है, जब हम फ्लैट में एंट्री करते हैं तो हमारा फेस साउथ की तरफ होता है। तो ये दोस्तों हमारे फ्लैट के बारे में सारी बातें थी। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं रिपीट करना चाहूँगा, जैसे कि कार पार्किंग आपको मिलती है, साथ में आपको बाइक पार्किंग मिलती है, आपको चिमनी हम लोग लगा कर देते हैं, आपको गीज़र हम लोग लगा कर देते हैं, आपको सारे फ़ैन हम लोग लगा कर देते हैं, सारी लाइट्स आपको मिलती हैं। जो भी कुछ आपने इस वीडियो में इस फ्लैट के अंदर देखा है वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लगी हुई मिलेंगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ इसकी कीमत के बारे में, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, ये आपका अपना चैनल है, इस बात को कभी भी नहीं भूलना। तो दोस्तों बात करते हैं कीमत की।
अगर आप पीछे की तरफ के यानी कि बैक साइड के फ्लैट लेते हैं तो आपको मिल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 33,50,000 रुपये में, और अगर आप फ्रंट साइड के फ्लैट लेते हैं दोस्तों तो आपको मिलते हैं 35,50,000 रुपये में। आप चाहे बैक साइड के फ्लैट लीजिए चाहे आप फ्रंट साइड के फ्लैट लीजिए, बाइक एंड कार दोनों की पार्किंग आपको मिलती है दोस्तों। दोनों ही तरफ के फ्लैट की एंट्री भी फ्रंट से होगी, आपकी गाड़ियां फ्रंट से ही एंटर करेंगी और फ्रंट से ही एग्जिट होंगे दोस्तों। तो देर फिर किस बात की है दोस्तों, आप आइए विजिट कीजिए। जो कम बजट के, जिनका बजट कम है, मुझे लगता है उनके लिए ये शानदार मौका है अभी, क्योंकि ये पहला ही फ्लैट है जो हमने रेडी किया है सैंपल फ्लैट की तरह। तो अभी इस बिल्डिंग में लगभग सारे फ्लैट दोस्तों अवेलेबल हैं, तो देर मत कीजिए दोस्तों, आप आइए विजिट कीजिए और अपना ये फ्लैट की, अपने फ्लैट की चाबी हमसे ले जाइए। इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय भोलेनाथ।